हेलो गाइज, दिस इज मी नीलम दांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे 2016 का साइंस का प्रीवियस सोल्ड पेपर। ओके गाइज, सो आपको यह देखना है कि आपके एग्जाम में जो आप पढ़ते हो, आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस टाइप से उनमें आंसर राइट करना होता है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जो साइंस का पेपर होता है यह तृतीय प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और 25 नंबर का यह पेपर होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 12 नंबर में से एक भी नंबर कम आ जाता है तो आपका पेपर बैक चला जाता है। तो आपको सभी चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है, और नोट करनी है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्प, अति लघु एवं लघु। आज की वीडियो में हम बहुविकल्प एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके गाइज, क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए डिस्कस करते हैं बहुविकल्प का फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आया था। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या मेरे बताने से पहले आपको इसका आंसर पता था तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। ओके गाइज, तो एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C2H2 यानी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, दोबारा से पढ़ते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए गाइज, आपको अभी यह चीजें देखनी है कि आपके एग्जाम में किस टाइप से घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जब हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डायग्राम बना करके चीज़ों को समझाऊंगी कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, कब वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, किस तरीके से हम वस्तु की स्थिति को दर्शाएंगे, ये सभी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। आपको पहले यही फोकस करना है कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और उनका आंसर आपको किस तरीके से लिखना होगा, करना होगा। ओके गाइज, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगर यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब आ जाए तो भी आपका राइट आंसर होगा आभासी, वास्तविक व वस्तु से बड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरित लवक रहित पौधों का समूह है। हरित लवक रहित पौधों का समूह, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, शैवाल, कवक, अनावृत बीज और उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बे, यानी कवक। कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित लवक रहित पौधे का समूह क्या होता है, कवक को कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये तो आप सभी को पता होगा, अगर पता है तो आंसर बताइएगा मुझे इसका कमेंट बॉक्स में साथ के साथ। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आवर्ती। ठीक है, ये जब आपको ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब वहां इन चीजों के बारे में बताया जाएगा कि आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवर्ती क्या होता है। ठीक है, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आप वहाँ नोट करना कि देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तब आप कि आपको आंसर कैसे राइट करना होगा, उस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है आपका, वो सारी चीजें आपको पहले से ही पता चल जाएगी। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जब ज़्यादा फोकस जाएगा तो तैयारी भी अच्छी होगी। तो चलिए, ये तो थोड़ी नॉर्मल सी बात थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आवर्ती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया था, वायुदाब आरोपित करती है। देखिए, अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है, दाब वाला चैप्टर मैंने आपको, फर्स्ट 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों क्लास को लीजिए, आप दोनों चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं उनको सभी को लीजिए। ठीक है,
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चारों दिशाओं में। ठीक है गाइज, देखिए जब मैंने आपको दाब वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पर बताया था कि जो वायु है, वायु चारों दिशाओं में दाब डालती है। ठीक है, अगर किसी ने दाब वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अपना अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो पहला प्रश्न है ये भी एक नंबर में आता है। पहला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं और इसका सूत्र भी लिखिए। क्वेश्चन को समझिए, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पूछा और इसका सूत्र भी पूछा, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं और इसका सूत्र भी लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो आप किसी प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसमें मैंने यहाँ पर इस तरीके से नोट किया है कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यह गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। यानी देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक भी बनता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी किसी की गति होने के कारण गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, या जैसे बहता पानी हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ओके गाइस, तो आपको समझ में आया, गतिज ऊर्जा यानी वस्तु के गतिशील अवस्था के कारण उत्पन्न होती है और स्थितिज ऊर्जा यानी वस्तु की स्थितिज अवस्था के कारण होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा mgh, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाएगी अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो थोड़ी और इसके बारे में हम डिटेल से इसको इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, इसने कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, बस न्यूनतम दूरी के बारे में पूछा है। प्रतिध्वनि हम जान लेते हैं, प्रतिध्वनि यानी किसी, जैसे कोई ध्वनि, ये दीवार है, प्रतिध्वनि हो जाएगी कि जैसे ये कोई दीवार है, जैसे कोई दीवार है। ठीक है, तो दीवार से टकराकर ध्वनि, जैसे यहाँ से ध्वनि आई और विपरीत दिशा में, ठीक है, वह उसमें उल्टी मुड़ गई, ठीक है, यानी वापस आ गई, प्रतिध्वनि गई और फिर वापस आ गई, तो उसे प्रतिध्वनि बोलेंगे हम। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.16। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराय क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। सिराय, जब मैंने आपको हर्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको वहां बताया था, और इसको और डिटेल में मैं इसके लिए एक अलग से स्पेशल क्लास बना दूंगी आपके लिए, धमनी और सिराय यानी वेन और आर्टरीज वाली स्पेशल क्लास बना दूंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सिराय क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है, यानी नलिकाओं का समूह जो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, यह शरीर में त्वचा के नीचे होती है यानी अधिक गहराई में नहीं होती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, जो शरीर से विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है उसे हम सिराय बोलते हैं। ओके गाइज, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इसका कार्य भी यही हो गया कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले जाना, यह इसका कार्य हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण की बात की है, प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण आग का झबकना, खाना देखकर मुंह में लाराना, तो यह प्रतिवर्ती क्रिया के ही है। यानी आप इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐच्छिक पेशियां होती है और कुछ अनैच्छिक पेशियां होती है, कि कुछ तो अपनी इच्छा से कार्य करती है और कुछ बिना इच्छा के ही अपना कार्य कर लेती है। जैसे हमारा हाथ आग पर लग गया या गर्म पानी में चला गया, तो हम उसको बिना सोचे समझे अपने पीछे कोई और हाथ को कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बिना इच्छा के हुआ कि हमारा अचानक ही हो गया। ठीक है, अगर हम चलना चाहते हैं तो हम जब हम सोचेंगे कि अब हमें चलना चाहिए तब हम सोचेंगे। ठीक है, जो सोच विचार करके अगर कार्य होगा, उदाहरण के लिए आप लोगों को ये चीज़ें मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये इच्छी कार्य में होगा। अगर जैसे अभी आग का झबकना, तो ये क्या होगा, ये अनैच्छिक कार्य होगा। यानी प्रतिवर्ती क्रिया में भी इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वायु, जल और सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जैसे वायु, जल और सौर ऊर्जा, ये क्या होते हैं, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है और प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जाता है। या इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अति लघु का, कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। रासायनिक परिवर्तन में आंसर है इसका, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे दूध से दूध का दही बनना। तो देखिए, अगर एक बार हम दूध से दही बना लिया हमने, तो क्या होगा, दही से दूध नहीं बना सकते ना, तो ये हो गई रासायनिक क्रिया। फिर देखिए आपके एग्जाम में यहाँ पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन, हो सकता है अब की बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि जिन्हें पूर्व पदार्थों को, इसमें तो है कि पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायन भौतिक परिवर्तन में इसका अपोजिट हो जाएगा कि उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इस प्रकार अपना आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसके और उदाहरण भी ले सकते हैं हम, जैसे प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, यह रासायनिक प्रक्रिया है। जल में शक्कर को घोलना यानी चीनी को घोलना, यह कैसी प्रक्रिया है, यह भौतिक परिवर्तन है। यह भौतिक परिवर्तन है क्योंकि अगर हम जल को उड़ा दें तो फिर से उसमें चीनी ऐसी की ऐसी बच जाएगी। ओके, तो कोयले का जलना, यह आपके एग्जाम में उदाहरण आ सकता है ऐसे ही, कोयले का जलना यह कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलना ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि अगर हम मोम को पिघलते हैं उससे कोई नई चीज़ें तीसरी चीज़ें नहीं बनती है, तो वो ऐसा कैसे रह जाएगा, वो फिर से मोम रह जाएगा। तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो आपको आई होप ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न इसके डिस्कस करा दूंगी। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।